हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो गाजीपुर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के कुल 75 ज़िलों में से एक गाजीपुर ज़िला के नाम से जाना जाता है। गाजीपुर ज़िला उत्तर प्रदेश के उत्तर से पूर्व भाग की ओर बसा हुआ है, जिसके वजह से इस ज़िले की पूर्व की सीमा बिहार राज्य से मिलती है। इस ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस गाजीपुर शहर में मौजूद है, और गाजीपुर ज़िला वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। इस ज़िले की स्थापना तुलक वंश के शासक सैयद मसूद गाजी द्वारा सन 1330 ईस्वी में किया गया था। गाजीपुर का पुराना नाम पहले गाधीपुर हुआ करता था, लेकिन सैयद मसूद गाजी ने इसका नाम बदलकर गाजीपुर रख दिया था। गाजीपुर ज़िला में अंग्रेज़ों के द्वारा सन 1820 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम कारखाना खोला गया था। अब दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं गाजीपुर ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम। जौनपुर ज़िला, मऊ ज़िला, चंदौली ज़िला और बिहार का बक्सर ज़िला है। गाजीपुर ज़िला में 7 तहसील, 16 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 7 विधानसभा, 6 अस्पताल, 378 डाकघर, 27 पुलिस स्टेशन, 3 नगर पालिका परिषद, 5 नगर पंचायत, 1046 ग्राम पंचायतें, 9 शहर और 3385 गाँव में बंटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो गाजीपुर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3377 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इस ज़िला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 6,65,200 है। यानी कि गाजीपुर ज़िला में कुल 6,65,200 परिवार रहते हैं। इन परिवारों में जो आबादी है वो है 36,20,000। यानी कि यहाँ की जो कुल आबादी है वो है 36,20,000। इस 36,20,000 में 18,55,000 पुरुष और महिला 17,65,000 है। गाजीपुर ज़िले का औसत लिंगानुपात 952 के करीब है, यानी कि गाजीपुर ज़िला में 1,000 पुरुष पर 952 महिला हैं। गाजीपुर ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 88% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 11% है। गाजीपुर ज़िला की मुख्य नदी का नाम गंगा नदी, गोमती नदी, बेसन नदी, मगाई नदी, टोंस नदी और कर्मनाशा नदी है। गंगा नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 335 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 870 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 72% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 72% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 83% पढ़े लिखे हैं और महिला 60% पढ़ी लिखी हैं। व्यवसाय की बात करें तो यहाँ के 36,20,000 की आबादी में 12,05,000 लगभग 33% लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि प्राइवेट नौकरी करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले मजदूर सभी शामिल है। वैसे इस ज़िले का मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह ज़िला काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं।
वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 24 और नेशनल हाईवे संख्या 31 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो गाजीपुर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि गाजीपुर जिला में कुल 28 रेलवे स्टेशन है, इसमें हॉल्ट भी शामिल है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।